व्हाट्सएप के अमेजिंग प्राइवेसी एंड पॉलिसी की वजह से आज दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एप्लीकेशन या सोशल मीडिया एप्लीकेशन बन चुका है, जिसके पूरी दुनिया में 500 मिलियन के ऊपर इनके यूजर हैं। इनकी प्राइवेसी और पॉलिसी इतनी मजबूत है कि आज सबसे ज़्यादा यूज करने वाला प्लेटफॉर्म हो गया। लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमी है कि इसमें भेजे हुए सब मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। वो ऑप्शन अभी भी है एवरीवन, डिलीट फॉर एवरीवन, लेकिन वो मैसेज भी सिर्फ एक घंटे के अंदर, अगर आपने एक घंटे से पहले मैसेज भेजा था उस मैसेज को आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको जो प्रोसेस बताएंगे उसके बाद आप कभी भी कहीं से भी किसी का भी डिलीट मैसेज कर सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रोसेस को। पुराने मैसेज को ऐसे करें डिलीट। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के डेटा को बंद करना है। फ़ोन की सेटिंग में ऐप सेटिंग या एक ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। वहां आपको व्हाट्सएप में जाकर फेस फोर्स अकाउंट में क्लिक करना है। व्हाट्सएप के जिस मैसेज या फाइल को डिलीट करना है उसके डेट और टाइम को नोट कर लें। फ़ोन की सेटिंग में टाइम एंड डेट ऑप्शन में जाकर नेटवर्क प्रोवाइडर टाइम को ऑफ कर देना है। जिस डेट और टाइम के मैसेज को डिलीट करना है उस अपने फ़ोन में वो टाइम और डेट सेलेक्ट कर लें। जिस मैसेज को डिलीट करना है वहां जाएं, उस मैसेज पर प्रेस करने के बाद में डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन आ जाएगा। देन उसके बाद में आपको अपने फ़ोन का जो भी डेटा है, जो भी आपको मैसेज डिलीट करना है वो डिलीट हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगेन सब्सक्राइब आवर चैनल।